अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हर औरत जो अपना आप का ख्याल रखती है, अच्छे कपड़े पहनती है, अपना मीन्स मेकअप का बहुत ख्याल रखती है, तो वो औरतें या चाहे कोई भी औरत हो, उसे अपनी स्किन का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए इन सारी चीज़ों से, जो कपड़े हैं, जूते हैं या कोई भी मेकअप स्टफ है, उससे ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि स्किन या फेस आपकी वो चेहरे मीन्स जिस्म का पार्ट है जो सबसे पहले लोग नोटिस करते हैं। और अगर आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो वो भी एक बहुत नॉट अ गुड थिंग। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, अपनी डे रिजीम जो है वो रिजीम जो है उसको डेवलप करना पड़ता है, नाइट रिजीम जो है उसको डेवलप करना पड़ता है। और उसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो रीजनेबल होती हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ प्रोडक्ट्स शेयर करती थी, तो उसमें से मोस्टली चीज़ें ऐसी होती थी जो बहुत महंगी होती थी और हर एक बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आते थे कि प्लीज़ आप ना थोड़ा सा रीजनेबल स्टफ भी हमारे साथ शेयर किया करें ताकि हम वो खरीद सकें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीद सकते। खैर एनीवेज, आप लोगों के साथ मैंने अभी कुछ दिन पहले इतना मीन्स एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर किया था अबाउट रीजनेबल स्टफ, लाइक जो आप नॉर्मल डेली लाइफ में मेकअप रिमूवर था वो शेयर किया था, दैट इज फॉर रिमूविंग योर मेकअप। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दैट इज अ टोनर। और टोनर जो है वो आप यूज़ करते हैं अपने डे रिजीम में और नाइट रिजीम दोनों में। और नाइट के टाइम मैं जो आजकल यूज़ कर रही हूँ वो है ग्लाइकोलिक एसिड, वो मैं काफ़ी अर्से से यूज़ करती हूँ। लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड को आप सुबह के टाइम नहीं यूज़ कर सकते। तो सुबह के लिए आपको कोई माइल्ड सी चीज़ चाहिए होती है, आपको कोई माइल्ड सा जो है ना टोनर चाहिए होता है। और टोनर हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में बता दूँ। टोनर हम यूज़ करते हैं, टोनर हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है। और फेस वॉश करने के बाद सेकेंड स्टेप टोनर होता है, ठीक है। उसके बाद पहले आप कुछ नहीं लगाते, फेस वॉश किया जब स्किन बिल्कुल बेयर स्किन है, बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन है, उस वक्त आपने उसको टोनर को लगा अप्लाई किया अपने फेस पे, थोड़ी देर छोड़ देने के बाद आपने कुछ और अप्लाई किया। तो टोनर आप यूज़ करते हैं अपनी स्किन की डेड स्किन रिमूव करने के लिए, अपने स्किन को अच्छा बनाने के लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप टोनर डेली यूज़ करेंगे तो आपकी जो पिगमेंटेशन होती है ये सारी फेड होना शुरू हो जाती है। लेकिन इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं होता वो अच्छा खासा टाइम लेने के बाद सारी स्किन को क्लीन करता है, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। सो अब हम बात करते हैं कि कौन सा टोनर मैं यूज़ करती हूँ। जो ग्लाइकोलिक एसिड मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन जो आज मैं आप लोगों से टोनर यूज़ शेयर कर रही हूँ दैट इज़ वेरी रीजनेबल एंड सीरियसली वेरी रीजनेबल। अब मैं आपको उसकी बताऊँगी सारे बेनिफिट्स और ये कि मैं उसको कितने अर्से से इस्तेमाल करी, एवरीथिंग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला टोनर एंड दिस इज, मैं ज़रा अपनी ग्लासेस लगा लूँ, आज मैं पहन के आई हूँ इसलिए, क्योंकि मैं जो ना अगर मैंने अपनी ग्लासेस नहीं लगाई होती ना तो मेरी रीडिंग करना, और फिर इसमें आपको पता है कितना छोटा छोटा लिखा है, तो मैं तो जो है ना आई साइट मेरी बहुत वीक हुई हुई है, रीडिंग ग्लासेस मुझे यूज़ करनी पड़ती हैं। तो लेट मी यूज़ माई ग्लासेस एंड देन आई विल शेयर कि ये क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूँ इट्स प्लास्टिक बॉटल, पहले पैकेजिंग बता देते हैं। इट्स अ प्लास्टिक बॉटल और ये बॉटल जो है अनब्रेकेबल है, नीचे गिर जाए तो टूटेगी भी नहीं। दूसरा ये है कि इसकी प्राइसिंग मैं बता दूं, मैंने 400 रुपए का लिया था मिनीसो से, मे बी अभी एक्सपेंसिव हो गया, और आई डोंट नो, मैंने खरीदा था तकरीबन कुछ 6-7 महीने पहले 400 रुपए का, ठीक है। 400 रुपए वेरी रीजनेबल है और आप लोग को इतना तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है 400 रुपए। तो 400 रुपए का मैंने टोनर खरीदा था, मैं जरा आपको बता दूं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है रोज हाइड्रेटिंग टोनर, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है रोज वाटर फ्रॉम मिनीसो, ठीक है। और इसमें 200 ml के बराबर जो है ना वो प्रोडक्ट है। अब ये क्या है, ये रोज हाइड्रेटिंग टोनर है। हाइड्रेट का मतलब होता है आपकी स्किन को अगर बहुत ड्राई है तो उसको हाइड्रेट करेगा, ठीक है। तो इसके मैं बता दूं कि यूजेस भी बताऊंगी कौन कौन से स्किन वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये माइल्ड है, मॉइस्चराइजिंग है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। और उसके बाद ये है कि इसका फॉर्मूला जो है ना माइल्ड है और हाइड्रेटिंग है। माइल्ड मतलब ये कि बहुत हार्श किस्म का टोनर नहीं है, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है वो बहुत मीन्स यू कैन से कि हार्ड किस्म का टोनर है, जैसे हार्श लाइक वो आपकी स्किन के ऊपर रात के टाइम उसको लगाते हो तो वो बहुत ज़्यादा, इट वर्क्स नो डाउट, कैसा नहीं है कि नहीं करता, लेकिन इट वर्क्स, वो हार्श है। लेकिन ये बहुत माइल्ड है, माइल्ड मतलब बहुत सा
प्यार से आपकी स्किन को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से साफ करेगा, क्लीन करेगा, आपकी डेड स्किन हटाएगा, आपकी पिगमेंटेशंस को रिमूव करेगा और ये हाइड्रेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है, आजकल तो खैर अभी गर्मी चल रही है लेकिन बहुत से इलाके जैसे कोयटा है बहुत ड्राई है, बहुत से इलाके ड्राई होते हैं, वहाँ पर नमी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि आपकी स्किन वैसे ही सर्दियों में तो खैर वैसे ही खिंचना शुरू हो जाती है, चाहे आप किधर भी रह रहे हो स्किन खिंचती है, और अभी भी अगर आप सुबह वॉश करेंगे फेस तो आपको स्किन खिंची हुई नजर आएगी। तो उसके लिए होता है कि ये टोनर आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ठीक है, ये तो करेगा ही करेगा, डेड स्किन रिमूव करना सब कुछ करेगा लेकिन हाइड्रेट भी करेगा। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। पहले मैं आपको एक इसका फ्रेग्रेंस बता दूं किस तरह का है। इसका जो फ्रेग्रेंस है बिल्कुल रोज वाटर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है और रोज वाटर की तरह ही है। और इसके साथ इन्होंने जो है ना थोड़े बहुत और इंग्रेडिएंट्स भी डाले हुए, जैसे ग्लिसरीन है, और इसके अलावा इसके अंदर ग्लिसरीन रखी हुई है ना, दिखाई हुई है इसके इंग्रेडिएंट्स में, इसके अंदर ग्लिसरीन है, रोज एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें, पता नहीं फ्लोरेंटीना रूट्स, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, ये क्या चीज है, फ्लावर्स है, रोज के पत्ते हैं, आपको इधर इसके अंदर पत्ते नजर आ रहे होंगे, ये पत्ते हैं रोज के, और इसके अंदर जो है वो सनफ्लावर सीड का ऑयल भी है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं ना, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सन हम रोज वाटर ही यूज कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा माइल्ड टोनर है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें, सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर रोज वाटर है। खैर एनीवेज, अब मैं आपको जरा इसको लगाने का तरीका बता देती हूँ, प्राइस भी मैंने बता दी, पैकेजिंग भी बता दी, और अब मैं इसको थोड़ा लगाने का तरीका बताती हूँ, फिर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये आपने ये ले लिया, कोई भी कॉटन पैड ले लें आप, उसमें थोड़ा सा आप देखिए मैंने लगाया, इट्स मोर देन इनफ फॉर योर फेस, और उसके फेस अब जैसे देखिए समझे मेरा फेस है और मैंने इसको वॉश किया, इसके बाद आपने ना इसको इस तरह से बड़े प्यार से पहले आंखों के इर्द गिर्द, फिर अपनी चीक्स पे, फिर चिन पे, फिर अपने फोरहेड पे, आपने इसको जो है ना इसको बड़े प्यार प्यार से जो है ना लगाते रहना। आप देखें ये लगा हुआ है, ये मैं लगाए जा रही हूँ, और ये बहुत आराम से आपके पूरे फेस को कवर कर देता है, आपने रगड़ना नहीं है ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपने बड़े प्यार प्यार से इसको ना जैसे आप साफ कर रही हैं, जैसे मेकअप रिमूव करते हैं, इस तरह से आपने करना है। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एक आध मिनट के अंदर साथ साथ ना आपको फील होगा कि ये ना प्रोडक्ट स्किन में ना एब्जॉर्ब हो रही है, और इसकी खुशबू जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग किस्म की रोजेस की है। तो ये मैंने अच्छी तरह लगा लिया और मैं इसको छोड़ दूंगी, ठीक है। जैसे मैं अपने फेस पे सुबह के टाइम फेस वॉश करती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं ये वाला टोनर लगाती हूँ, और फिर मैं अपने फेस को छोड़ देती हूँ, फिर मैं अंडर आई क्रीम लगाती हूँ एंड सिरम लगाती हूँ, दैट्स इट। मैं आजकल सुबह के टाइम ये रूटीन है मेरी। तो ये चीज लाइक मुझे 6 महीने हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए, आप देख सकते हैं अच्छी खासी कम हो गई है, इट्स वेरी रीजनेबल, इट्स वेरी गुड सीरियसली, एंड इट्स अ टोनर। तो 6 महीने यूज करने के बाद मैं आपको ये कंक्लूजन पे पहुंची हूं कि दिस इज समथिंग वेरी नाइस यू कैन यूज ऑन योर फेस, बहुत रीजनेबल है, आप कोई भी खरीद सकता है और इसे एज अ टोनर यूज करें, और अच्छे खासा अमाउंट है इसमें प्रोडक्ट का, 200 ml इज मोर देन इनफ, कम अज कम आपके 8-9 महीने तो चल ही जाएगा, अगर आप इसको नाइट में भी यूज करेंगे तब भी ये आपका ना तकरीबन 7 महीने तो चल ही जाएगा। तो ये अगर आप रात को, तो मैं तो ग्लाइकोलिक एसिड यूज करती हूँ, अगर आप इसको रात को भी यूज करना चाहें आप तब रात को भी यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी रीजनेबल प्रोडक्ट, आप किसी भी मिनीसो पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, आपकी प्राइस मुझे नहीं पता लेकिन मैंने 400 रुपए का खरीदा था, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का जो है ये वीडियो यूजफुल रही होगी, क्योंकि टोनर इज मस्ट फॉर एवरीवन, टोनर इज लिटरली। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूँ, ऑयली स्किन वाले लोग जो है ना इसको ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है, आप जैसे खरीदना चाह भी रहे हैं तो एक दफा अपनी स्किन को पैच टेस्ट कर लें कि आपको सूट करता है या नहीं, ऐसे आपको ज्यादा ही हाइड्रेटिंग फील हो रहा, तो ये क्या देखिए, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है, कॉम्बिनेशन वालों के लिए बेस्ट है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट है, ऑयली स्किन के लिए मुझे थोड़ा सा है कि आप थोड़ा सा देखभाल के यूज करें अपनी स्किन पे। अब देखिए मेरे हाथ पे फील हो रहा है जैसे मैंने कोई क्रीम लगाई है, क्रीम इस तरह लेयर नहीं लगती लेकिन हाइड्रेटेड लगता है, मॉइस्चराइज लगती है स्किन, तो ये इसके कारनामे हैं और इसके फायदे हैं। तो होप आप लोगों को मेरा जो है ना आज का जो है ये वाला रिव्यू अच्छा लगा होगा, रीजनेबल प्रोडक्ट्स का। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करूंगी बहुत अच्छी अच्छी रीजनेबल प्रोडक्ट्स जो मैं यूज कर रही हूँ आज का।
तो खैरियत था मेरा आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।